जय श्री राम प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, ये एक संकेत बताता है कि आपको भगवान पाने की लगन लग चुकी है और दुनिया की कोई भी ताकत आपको भगवान प्राप्ति होने से नहीं रोक सकता, उसकी कृपा मिलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जब उसकी कृपा हुई है तभी आपको ये लगन लगी है। कौन सा वो संकेत है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। प्रेमी भक्तों, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, किसी भी तरह से नाम जप करते हो, किसी भी तरह से अगर ध्यान करते हो, तो जब आपकी ऐसी स्थिति आ जाए, उदाहरण के लिए आप मान लो आपके पास किसी का फ़ोन आ गया और आप बातों में लग गए, आधा घंटा हो गया बातें करते करते और भगवान को भूल गए, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन को रखा तो एकदम से आपको याद आया कि मैं तो भगवान का नाम लेना भूल गया और मैंने तो आधा घंटा फालतू की बातों में बिता दिया, और आपको ऐसी तड़पन हो जैसे मछली तड़पती है जल बिना, जैसे माँ तड़पती है अपने पुत्र के लिए, गायें तड़पती है जैसे नई ब्याती है ना जब गायें, तो वो अपने बछड़े के लिए तड़पती है, तो इसी तरह की तड़पन आपके मन में हो तो समझ लो आपको वो लगन लग चुकी है जो भगवान प्राप्ति के लिए लगन होती है। प्यारे भक्तों, भगवान का नाम लेना किसी दिन आपसे छूट जाए, किसी दिन आपसे भगवान का नाम छूट जाए, मानो आप कहीं काम में बिजी हो गए, कहीं बाहर चले गए और भगवान का नाम नहीं ले पाए, लेकिन आपके मन में इतना पश्चाताप हो कि आज तो मेरे को इतना दुख हो गया कि किसी के ऊपर दुख का पानी टूट पड़ता है। मान लो किसी का बड़ा पुत्र है और कमाई का एकमात्र साधन है उस पुत्र की कमाई से, यानी परिवार का खर्चा चलता है, और उस पुत्र की मृत्यु होने पर जितना दुख होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा पश्चाताप दुख आपको हो तो समझ लो आपको वो लगन लग चुकी है भगवान प्राप्ति की, और आपकी भक्ति, आपका नाम जप, आपका ध्यान भजन तेजी से आगे बढ़ रहा है। भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि ये सब हमने कर दिया है, हमारी लगन ने कर दिया है, लगन जरूरी है लेकिन कृपा वो करता है, उसकी कृपा से ही लगन आप में लगेगी। शुरुआत में वो देखता है, अगर आप ज़बरदस्ती लगे रहोगे तो वो कृपा निसंदेह करता है। तो प्यारे भक्तों, सफलता भी आपको मिलेगी, आगे भी आप जीवन में बढ़ोगे, क्योंकि आपके अंदर उस परम को पाने की लगन लग चुकी है जो एकमात्र सुखदायक, आनंददायक, परम शांति देने वाला है इस लोक में, परलोक में। उसके सिवा आपको कोई शांति नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। और अगर हम ये चाहें कि हम ये खुद करते तो ये हमारा वहम है, वो ही एकमात्र सहारा है हमारा। तो प्यारे भक्तों, अगर आप में ये लगन पैदा हो गई है तो आप धन्य हो और भगवान को धन्यवाद बोलो और अपनी भक्ति को निरंतरता से ऐसे ही करते रहो, तो आप निसंदेह उसको प्राप्त कर लोगे, बशर्ते लाइन से ना निकले। शर्तें क्या हैं? विश्वास, श्रद्धा, निरंतरता से लगे रहें। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।